हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे चैनल रेलवे क्रिकेट्स में। एसएससी स्टेनोग्राफर का 5 फरवरी का ऑल शीट का पेपर हो चुका था। देखिए फार एक आज 6 फरवरी है, कल 5 फरवरी के सारे क्वेश्चंस में लेके आ गया हूँ। जितने भी आपके क्वेश्चंस हुए हैं सारे के सारे, देखिए मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पेपर लेके आ गया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स, इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं फटाफट से सारा का सारा क्वेश्चन कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन है सर। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं सारे के सारे बहुत ही रियल और ऑथेंटिकेट क्वेश्चन हैं। अगर क्वेश्चन पसंद ना आए तो मुझे डिसलाइक कर दीजिएगा। देखिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही रियल एंड ऑथेंटिकेट क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ। देखिए 5 फरवरी का ऑल शीट का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। बोगीबिल ब्रिज की लंबाई पूछी गई थी कि कितनी है, तो 4940 मीटर, ठीक है। आपको आंसर के लिए हमें कमेंट बॉक्स में करना होगा कि सर हमें जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है तो आंसर आप पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको इसके एसएससी स्टेनोग्राफर के। देखिए 5 से 7 तारीख का ये एग्जाम चलेगा। मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं इसके अकॉर्डिंग पूछ लीजिए। आज भी एग्जाम है, ठीक है ना। जो आज के जितने भी शिफ्ट के होंगे उसके भी सारे के सारे वीडियो डाल दूंगा, कल ही आज ही डाल दूंगा, तो उसको आप फटाफट देख लीजिएगा। बोगीबिल ब्रिज की लंबाई पूछी गई थी कितनी थी, ये मैंने बता दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स से देखिए, याद रहे कॉमनवेल्थ गेम्स से दोनों शिफ्टों में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम से कम एक एक शिफ्ट में कम से कम 7 से 8 प्रश्न पूछे गए। तो आज मैं बता दूं जिन लोगों का कॉमनवेल्थ गेम मतलब एग्जाम है एसएससी स्टेनोग्राफर का, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कॉमनवेल्थ गेम है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी मेरे स्टूडेंट थे सारे के सारे, उन्होंने वो भी गए हैं एग्जाम देने और वो भी कहते हैं कि सर जो भी क्वेश्चंस मुझे पूछे गए हैं सारे के सारे आपने करवाए हैं, सारे के सारे पूछे गए हैं। मैंने सारे के सारे जीके करंट अफेयर सारा के सारा करा रखा है। तो आप वीडियो को पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए कॉमनवेल्थ पूछा गया था भारतीय ओर से फ्लैग होस्टिंग किसने किया था, तो मेरी कॉम ने किया था। 2018 का साहित्य पुरस्कार इंग्लिश लिटरेचर में किसे मिला, देखिए ये सब आंसर आपको गूगल कर लेना है, ठीक है ना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ इसलिए टाइम मुझे नहीं मिला। तो आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने यह कहा था। नॉर्थ ईस्ट सांस्कृतिक महोत्सव 2018 कहाँ आयोजित हुआ है, नॉर्थ ईस्ट सांस्कृतिक महोत्सव 2018 कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये देख लीजिएगा आप आंसर। हिमालय के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, हिमालय के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कैसी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कैसी मिट्टी पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट इलाका है वो कैसा है, नॉर्थ ईस्ट जो इलाका है वो कैसा किस प्रकार का है, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीता है, 2018 का पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ गेम से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आप लगा लीजिए जितने भी क्वेश्चन, ठीक है ना। खारे पानी का सबसे बड़ा झील भारत में कौन सा है, ये याद रहे, ये आंसर आपको निकाल लेना है। सतारा जिला पूछा गया है कि कौन से राज्य में, तो महाराष्ट्र राज्य में सतारा जिला पड़ता है। आपको देखिए ये पूछा गया था, भारत में एक परियोजना चल रही थी, जो उस परियोजना का नाम दे रखा था, वह उसका तो नाम भी दे रखा था परियोजना का, बट वो पूछा था कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, वह किन दो देशों के बीच चल रहा था, तो चाइना और मालदीव के बीच चल रहा था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा आपका। देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड सभी को पता है भाई, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 में किसे दिया गया, तो विनोद खन्ना को दिया गया है, ठीक है ना। किसको दिया गया, विनोद खन्ना को दिया गया है। सतीश शिवलिंगम किस खेल से संबंधित है, सतीश शिवलिंगम आपके वेट लिफ्टिंग से संबंधित। देखिए कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड जो भी है जितने भी ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आप फटाफट देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। किस सेक्टर ने देखिए 2018 में ऐसा हाईएस्ट FDI जमा किया है, तो दिया है मतलब, तो फार्मा सेक्टर ने बहुत ज़्यादा देखिए 2018 में FDI जमा किया है हाईएस्ट। अशोक के धर्म प्रचार से एक प्रश्न पूछा गया था, अशोक के धर्म प्रचार से देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ऐसे रामनाथ गोविंद के पर 2-3 क्वेश्चन बने थे, ठीक है ना। रामनाथ गोविंद हो जाएंगे इसके आंसर। देखिए अभी देखिए टोटल GST 2018 कितना जमा हुआ, ये 1,00,000 करोड़ तो नहीं हुआ, देखिए इसको अच्छे से देखिएगा, इसको कुछ 94,000 कुछ ऐसे है, लेकिन ये 1,00,000 अप्रोक्स इसको पकड़ा गया है, ठीक है ना। इसको 1,00,000 अप्रोक्स पकड़ा गया है, ठीक है। देखिए वॉइस से देखिए कितने क्वेश्चन, वॉइस चेंज से देखिए 20 से जिनका एग्जाम आज है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वॉइस चेंज और नरेशन और एरर से क्वेश्चन पढ़ के जाइए, पैसे से क्वेश्चन पढ़ के जाइए, जो भी क्वेश्चन है ऑथेंटिकेट रियल क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ठीक है ना। इंग्लिश के देखिए ये चार के चारों ऑप्शन और सिंटोनिम्स एनोनिम और ठीक है ना, सिंटोनिम्स इससे क्वेश्चन बहुत बना रहे हैं। तो इससे देखिए वॉइस चेंज 20 क्वेश्चन, नरेशन के 10 क्वेश्चन, एरर के 15 क्वेश्चन, पैसेज तीन दे रखे थे उसके 20 क्वेश्चन उसमें दिए गए। देखिए रीजनिंग के ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसको मैंने लिख रखा है क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट हैं मैं जिसको पढ़ाता हूँ यहाँ पे मैं उनको बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन उन्होंने आके मुझे बताए सर ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो इस टाइप से मैंने इसको बताया है। नंबर सिस्टम के देखिए 5 से 8 प्रश्न बने, साइन कन्वर्जन दिखा रहे, साइन कन्वर्जन कैसा, आपको कुछ सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन तो मुझे देखने को नहीं मिले, वो बता रहे थे जितने क्वेश्चन हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिला, एक एक बस
बस खाली आपको वैल्यू है चेंज करनी है, बस ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे रखा था। इसको देखिए प्लस को मल्टीप्लाई करना है और माइनस को इस मल्टीप्लाई को माइनस करना है, ऐसे साइन कन्वर्जन के क्वेश्चन थे। डायरेक्शन और डिस्टेंस देखिए 3 से 4 प्रश्न बनाया है, फिल्ड इन द ब्लैंक्स देखिए क्वेश्चन मार्क दे रखा है, देखिए 2, 6, 8, 3, 2, 4, 1, 7 उस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। इसे 3 क्वेश्चन ऐसे थे, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन थे। देखिए ऑड वन आउट से देखिए 2 से 3 प्रश्न पूछेगा। एनालॉजी से देखिए रात का अगर दिन होता है ठीक है ना तब सुबह का क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए रात का दिन होता है सुबह का क्या होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाया जा रहा है ठीक है ना। तो देखिए एनालॉजी का ऐसा टाइप का आंसर था, क्वेश्चन था। नॉन वर्बल फिगर के देखिए 3 से 4 प्रश्न बनाए। नेक्स्ट टाइम इसका फिगर का मतलब नेक्स्ट टाइम पूछा था, नेक्स्ट टाइम में अभी क्या आएगा, जैसे मतलब ABCD दे रखा है उसके बाद बोलेगा कि उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद डी के बाद क्या आएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मिरर से देखिए 1 प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसको देख लीजिए। मनु भाकर यूथ ओलंपिक देखिए, मनु भाकर का भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी वो कराया नहीं होते, उसको अच्छे से देख लीजिए। एरर के देखिए 5 से 6 प्रश्न पूछे, सिनोनिम एनोनिम से आ रहे हैं 7 से 8 प्रश्न। वेन डायग्राम से देखिए 2 से 3 प्रश्न पूछे, ये थर्ड शिफ्ट का मैं बता रहा हूँ। एनिमल मैमल और गॉड इन तीनों का बोला गया था, देखिए ये पूरा का पूरा एनिमल है और इसमें आएगा मैमल और इसमें आएगा गॉड, ये क्या हो गया आपका, ये आपका वेन डायग्राम बन गया। अगर ऐसे नहीं बने तो आपको ऐसे बना लेना है ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम हो गया। ऐसे टाइम एनिमल के भीतर ही आते हैं मैमल और गॉड, तो ये आपके वेन डायग्राम हो गया। वेन डायग्राम के भीतर भी रीजनिंग आए थे। राजेश सुल्तान पूछा गया था कि कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं ठीक है ना। ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइजेशन से देखिए पैसेज जो दे रखा था उसके ऊपर क्या, किसके ऊपर पैसेज था, देखिए ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइजेशन याद रहे, ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये थर्ड शिफ्ट का नहीं है, थर्ड शिफ्ट का तो पेपर ही नहीं हो रहा था, फर्स्ट और सेकंड 2 ही शिफ्ट दे रखे हैं इसमें, तो देख लीजिएगा। एक का टाइमिंग 10:30 का है और एक का टाइमिंग 1:30 का, ऐसे कुछ टाइम है उसको देख लीजिएगा। टाइमिंग 2 ही शिफ्ट में मेरे को देखने को मिले हैं ठीक है। डायरेक्शन से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए। कॉमनवेल्थ गेम्स से देखिए 7 से 8 प्रश्न हर दोनों शिफ्ट में आए हैं। 2018 में भारत के किस राज्य में स्वच्छता सर्वेक्षण, ये भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी देख लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन में अच्छे से इसको करेक्ट करके क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए हु वाज अवॉर्डेड विथ नोबेल पीस प्राइज 2019, डेनिस मुकवेगे मुकेंग्रे नदिया मुराद, ये इनको सारे के सारे नोबेल पीस प्राइज मिला है 2019 का। हु वॉज कन्फर्ड विथ टानसेन अवार्ड 2018, सितार प्लेयर मंजू मेहता, याद रहे जिनका भी एग्जाम है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि जितने भी जीके के करंट अफेयर्स याद रहे, करंट अफेयर्स अभी देखिए बहुत सारे एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा नहीं जा रहा था, लेकिन अभी करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, तो करंट अफेयर्स जितने कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड मिल रहे हैं क्वेश्चन उसको सारे के सारे लगा लीजिए। तानसेन अवार्डेड इन देखिए ना ये मैंने आंसर बता दिया। तानसेन अवार्ड इज गिवन बाय विच स्टेट, तानसेन को मतलब किस स्टेट से मतलब अवार्ड मिला गया, तो मध्य प्रदेश से इनको अवार्ड मिला है। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, देखिए एक क्वेश्चन रिलेट था राजेंद्र प्रसाद से अवार्ड से कि मतलब किस वो अवार्ड किस से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन नॉट क्लियर, अभी क्लियर नहीं हुआ है तो इसको आप देख लीजिएगा। वेयर वाज द नॉर्थ ईस्ट 2018 फेस्टिवल हेल्ड, बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट का जो होता है ना फेस्टिवल वो कहाँ हुआ है 2018 का, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली ठीक है। ऊपर मैं आपको आंसर नहीं दिया था मैंने, यहाँ पे देखिए सारे के सारे आंसर के साथ आपको दिखा रहा हूँ ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन कथकली, द कथकली परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडेड मेटालोफोन्स चेंगालेम एंड इलातालेम तालाम एंड मेम्ब्रानोफोन्स चेंदा मदालम एंड एडक्का, मतलब इनको वर्ड था कथकली परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट से ये सब ठीक है। इन विच ईयर डिड हरिवंश नारायण सिंह अपॉइंट एज द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑन 8 अगस्त 2018, देखिए ये करंट के क्वेश्चन है भाई, करंट के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं सारे के सारे कल लगा लीजिएगा। हु वाज द विनर ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018, तो कैटेगरी नॉट क्लियर, देखिए कैटेगरी को वहाँ पर नहीं दी दे रखी थी, लेकिन ऐसे अगर मैं बताऊँ कि दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको विनोद खन्ना जी को मिला था जो मैंने पहले जो ऊपर के क्वेश्चन मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर क्लियर नहीं है किस कैटेगरी में उनको मिला है कैटेगरी नहीं, तो ऐसे हमें पता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड तो उन्हीं को मिला था। द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, देखिए अटर्नी मैंने बताया था कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऊपर में दे रखा था कि किसे मिला, तो अटर्नी जनरल ऑफ इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किसके द्वारा प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से ही उनको अटर्नी जनरल को मतलब किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ठीक है ना। मास वॉल्यूम का ये आपको मैं बता दूँ, डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम
किसका होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, और अगर ये क्वेश्चन अगर मैथ से रिलेटेड आए तो ऐसे बता दीजिएगा, डेंसिटी का पूछा है तो मास बाई वॉल्यूम ऐसा आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर का कितना होता है, 746 वॉट होता है आंसर। बहुत ही करेक्ट क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ। देखिए, हु वाज क्राउंड मिस वर्ल्ड 2017, तो मनुश्री छिल्लर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर लीजिएगा। इंडिया लार्जेस्ट वाटर ब्रिज लेंथ कितना है, तो 9.17 किलोमीटर है। ये आपका बहुत ही करेक्ट क्वेश्चन। देखिए, लॉन्गेस्ट रेल का रोड ब्रिज मेड ऑन विच रिवर, तो जितने भी मुझे क्वेश्चन मिले हैं सारे के सारे ऑथेंटिकेट रियल क्वेश्चन सारे के सारे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज मेड ऑन विच रिवर, तो ब्रह्मपुत्र आंसर हो जाएगा। बिंदुसार वॉज कोरोनेटेड इन विच ईयर, तो 297 BCE, ठीक है ना, BCE। इसमें इनका क्या होता है कि वो कोरोनेटेड हुए थे। विच वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द कुशन डिनेस्टी, तो कैटफिशेस ये आपका आंसर हो जाएगा। हु वाज अपॉइंटेड टू स्प्रेड धर्मा बाई अशोका, तो धर्मा महामतास, ठीक है ना। वन क्वेश्चन रिलेटेड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का आपको फॉर्मूला देख लेना है। विस्कोसिटी को हम लोग ऐसे न्यूज ऐसे देखते हैं हम लोग विस्कोसिटी को, हाउ मच MSP फॉर पैडी हैज़ बीन फिक्स बाय द गवर्नमेंट, तो जो पैडी के लिए जो MSP दे रखी है वो कितने, तो 1,750 पर क्विंटल फॉर द 2018-19 क्रॉप ईयर। देखिए, मतलब एक पेटी का प्राइस जो फिक्स कर दे रखा है गवर्नमेंट द्वारा, तो 1,750 पर क्विंटल फॉर द 2018-19 क्रॉप ईयर, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट रूलर हु स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन किट्टूर, रानी चेन्नम्मा, किसका नाम है, रानी चेन्नम्मा। द येल्लो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट नेम्ड यूरोक्रोम। याद रहे ये क्वेश्चन आपको, मैं बता रहा हूँ कि RPF कांस्टेबल के मैंने कल या परसों के शिफ्ट में मैंने बताया था कि जो हमारा जो मूत्र होता है वो येल्लो किस कारण होता है, तो किसके कारण होता है भाई, यूरोक्रोम के कारण। जो पिगमेंट होता है वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। आपको इसका वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से इसको जरूर से जरूर डाउनलोड करिए। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 से 3 प्रश्न बने थे इंडिया इंडोनेशिया टॉपिक से, ठीक है ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, क्या रैंक है भाई इंडिया का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो सेकंड पॉपुलेशन है। इसमें ऑप्शन दे रखा था कि यहाँ पे डैश दे रखा था, इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग बोथ एबायोटिक नॉन लिविंग एंड बायोटिक लिविंग एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इसका डेफिनेशन किसका होगा, ये किसका डेफिनेशन है भाई, देखिए लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एबायोटिक एंड नॉन अबायोटिक एंड बायोटिक दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये इकोलॉजी आपका डेफिनेशन हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट, तो इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म ऑफ इंडिया, तो इंडोनेशिया कॉर्पोरेट, ठीक है ना, इंडिया इंडोनेशियन कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश, ऑब्वियसली गिल्स। मनु भाकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मैंने ऊपर में देखा था, तो इसको किस खेल से संबंधित है, ठीक है, इसको मैं बता दूँ, स्पोर्ट्स शूटर से संबंधित, पिस्टल शूटर से संबंधित है। देखिए, मनु भाकर इज द इंडियन स्पोर्ट्स शूटर फ्रॉम हरियाणा, सी रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2018 ISSF वर्ल्ड कप एंड वॉन टू गोल्ड मेडल। शी इज द यंगेस्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप। मिनिस्टर्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौन है भाई, तो भाई धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर हैं। 2 क्वेश्चन रिलेटेड थे यूथ ओलंपिक से, देखिए यूथ ओलंपिक से बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए यूथ ओलंपिक ओलंपिक से क्वेश्चन बहुत बना रहा है, तो इसको देखिएगा जरूर। यूथ ओलंपिक से हमें 2 क्वेश्चन आज मिले हैं, आज नहीं सर कल के मिले हैं, ठीक है ना। तो सिंपल पेंडुलम, देखिए मैक्सिमम टाइम पीरियड, सिंपल इसका पूछा है मैक्सिमम टाइम पीरियड कितनी होती है, एक वन बाई इसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/4 से निकालते हैं। देखिए टाइम पीरियड होता है आपका, देखिए एक टाइम पीरियड, जैसे कि मान लीजिए एक पेंडुलम है, ठीक है ना, आपको कितना टाइम पीरियड लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में, कितना टाइम पीरियड लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में, अब जो टाइम पीरियड है वो उसका बताना है, ठीक है, तो वो लंबा उसके जो वो बताया कि टाइम पीरियड कितनी है, ठीक है ना। तंजोर बाला सरस्वती ऑल्सो नोन एज बाला सरस्वती इज एसोसिएटेड विद भरतनाट्यम डांस, पूछा कि तंजोर बाला सरस्वती वो किससे रिलेटेड है, भाई भरतनाट्यम डांस। ये देखिए रीजनिंग कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए 1, 2, 10, 37, 101 आंसर आपका दिखाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 226, आपको करके देखिएगा आंसर मिल जाएगा आपको। 5, 7, 11, 37, 143 आंसर देखिएगा इसका 721 हो जाएगा। कैपिटल ऑफ कनाडा, ये बिल्कुल
क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको आप जरूर जरूर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा, विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, तो चिल्का लेक हो जाएगा जो बहुत भी बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है। सारे के सारे ऊपर का क्वेश्चन आपको यहीं मिल जाएगा। हु कंटिन्यूड द ब्रह्मो समाज आफ्टर राजा राममोहन रॉय, तो डी टैगोर हो जाएंगे करेक्ट आंसर। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद, तो रामनाथ गोविंद से एक क्वेश्चन बना था मैंने ऊपर मैंने दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैक्टर, तो वैक्टर का एग्जाम्पल पूछा गया था, ठीक है ना, वैक्टर का एग्जाम्पल बोल दिया जाइए बोल मतलब बोला गया था उसमें। इंडियन फ्लैग बैरियर बियरर इन ओलंपिक 2016 का, 2016 समर अभिनव बिंद्रा, 2018 विंटर का 2018 विंटर शिव केशवन, ठीक है ना। 2016 का समर के थे जो बियरर थे वो अभिनव बिंद्रा थे, और 2018 के विंटर के दो सीमा शिव केशवन केशवान थे। हु गेव द स्लोगन अराइज अवेक टिल यू आर रिच योर गोल, स्वामी विवेकानंद ने एक स्लोगन लिखा था कि आप अपने जो गोल है आप अपने पढ़ाई के गोल को रिच करो। इसके लिए हम भी सहमत हैं, हमारा जो चैनल है हम भी प्रतिबद्ध हैं। तो याद रहे हमारा जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वराज्य इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट स्लोगन, ये जो स्वराज इज़ माई बर्थ राइट ये जो इसका स्लोगन है ये किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। हु वट इज़ द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय कॉल्ड हिमाद्री, हाईएस्ट उसको सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग हिमालय के, तो हिमाद्री हिमालय से दो प्रोग्रेशन बनाते हैं। देखिए जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन इन दिसंबर 2018 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे गए, तो 94,726 करोड़ इतने जीएसटी रेवेन्यू आए हैं। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, देखिए एक क्वेश्चन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से पूछा गया था, वट इज द वेन्यू ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया ये आपका वेन्यू है, ठीक है ना, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1977 to 1982, तो नीलम संजीव रेड्डी, कौन है भाई नीलम संजीव रेड्डी। वन क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू एनोलॉजी ग्रीफ एंग्यूश अ पिक, तो ये आपका आंसर निकालना है, ठीक है ना। हु इज अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर फॉर UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट, तो पंकज शर्मा हो जाएंगे इसके एम्बेसडर, ठीक है ना, UN कॉन्फ्रेंस के। हु इज़ द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, तो स्मृति ईरानी, कौन है स्मृति ईरानी। इन विच ईयर द बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज मूव टू डलाल स्ट्रीट 1874, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो बिहार ऑब्वियसली। थीम ऑफ इवेंट रिलेटेड टू कोरल रीफ ये आपको देख लेना है। रैंक ऑफ हरियाणा इन स्वच्छ भारत मिशन फर्स्ट हो जाएगा। हु इज़ द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो तुषार मेहता जी हो जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बंगाली डांस फॉर्म इज धुनाची, ठीक है ना। मिरर इमेज ऑफ एप्टीट्यूड, याद रहे एप्टीट्यूड का मिरर इमेज पूछा था। विच इज द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाई ए आई बिरूनी कुछ नाम है, किताबुल हिंद इन्होंने लिखा था। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एडवर्टाइजिंग, तो एलिक पदामसी। अंडर विच ब्रिटिश पॉलिसी द एनेक्सेशन ऑफ सितारा वॉज इनेक्टेड, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। सिनोनिम्स ऑफ वैंक्विश कॉन्कर, तो इसका क्या हो जाएगा डिफीट बीट, ठीक है। रैंक ऑफ इंडिया इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज 77 है, ठीक है। सिनोनिम ऑफ स्ट्रेंज जाएगा ऑड, पर्क्यूलर हो जाएगा बिजार हो जाएगा, वियर्ड हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपका सिनोनिम्स इसके, ठीक है। ये आपका बहुत ही लंबा एक दे रखा था, इसको आप देख लीजिए 10275124111330017, इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई, तो 4912 आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेनोग्राफर इंग्लिश लैंग्वेज की, देखिए क्या क्या टॉपिक को कवर किया गया है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 आंसर क्वेश्चन आए हैं, एरर डिटेक्शन के 10, आइडियम फ्रेजेस के 5, पैरा जम्बल्ड के 5, एंटोनिम और सिनोनिम्स के 10, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के 10, एक्टिव पैसिव के 10, फिल्टर्स के 10, तीन आरसी के क्वेश्चन पूछे गए थे, दो क्लोज टेस्ट पूछे, तो ये टोटल क्वेश्चन आपके 100 हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मिले सारे के सारे करेक्ट हैं फ्रेंड्स, तो लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। ऐसे स्टेनोग्राफर ग्रुप से देखिए डी का, देखिए सिलॉग्स से देखिए 2 प्रश्न, मैट्रिक से 2 प्रश्न, ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न, नॉन वर्बल से 10 से 12 प्रश्न, ऑड वन आउट से 3 से 4 प्रश्न, डायरेक्शन सेंस टेस्ट से 2 प्रश्न, एनोलॉजी से 4 प्रश्न से 5 प्रश्न, सीरीज से 7 से 8 प्रश्न, मिसलेनियस से 10 से 12 प्रश्न, ये टोटल थे आपके। देखिए अगर बताऊँ जो टोटल जो है उसमें करें एक्यूरेसी कि आपको मतलब कितने आपके गुड अटेम्प्ट हो गए। देखिए फर्स्ट शिफ्ट के डिफिकल्टी लेवल बताया, फर्स्ट शिफ्ट की इजी टू मॉडरेट है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट, और इसके सारे के सारे मॉडरेट, ये आप देख लीजिएगा ओवरऑल कितना है इजी टू मॉडरेट इसमें बताया गया है, लेकिन गुड अटेम्प्ट आपको गुड अटेम्प्ट बताया दिया गया है कि गुड अटेम्प्ट कितना होगा। गुड अटेम्प्ट बताया कि आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें 100 में से
तो 70 से 72 आपके इंग्लिश की लैंग्वेज के करेक्ट होने चाहिए, जनरल अवेयरनेस के 35 से 37 करेक्ट होने चाहिए, रीजनिंग के 40 से 42 करेक्ट होने चाहिए। तो ओवरऑल जो है ना आपको 140 to 145 आपके ईजी टू मॉडरेट थे, तो आपको इतने करेक्ट होने चाहिए, 140 to 145 आपके करेक्ट होने चाहिए, तो ये आपका गुड अटैम्प्ट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और रियल आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिएगा हमारे चैनल को, ठीक है ना, ताकि जितने भी आपको करेक्ट क्वेश्चन मिले हम आपको दे सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।